शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना दूसरा बजट पेश किया है और इस हालात में ये बजट पेश किया गया है जनाब स्पीकर के जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वबा में मुब्तला है। कोरोना वायरस की वजह से जनाब स्पीकर दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर जो है वो मफलूज दिखाई दे रही है। पिछले 100 साल की तारीख का सबसे बड़ा ग्लोबल रिसेशन जो है वो पूरी दुनिया में आया हुआ है। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं आज फखर से कहता हूं कि इन सब के बावजूद मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब की विजनरी लीडरशिप, उनकी दूरंदेशी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कौमी यकजहती की पॉलिसी और बर वक्त फैसलों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में कोरोना और मईशत की सूरत हाल दुनिया के बड़ी बड़ी सुपर पावर्स और तरक्की याफ्ता ममालिक से बेहतर है। इसका अंदाजा जनाब आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज अमेरिका और यूरोप के ममालिक जैसा कि यूके, फ्रांस, जर्मनी और रशिया, लेकिन मेरे कायद की मुदब्बिराना सोच की वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है और हमारी जीडीपी जो है वो सिर्फ मनफी 3.8 तक गई है। और जहां अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस 22 लाख अफराद इसमें मुब्तला हुए हैं और 1.25 लाख तक लोग जो हैं उनकी लगता है कोरोना वबा की वजह से उनको पहली दफा शायद खुद अपनी तकरीर लिखनी पड़ गई है। हकीकत से बिल्कुल आरी दिखाई दे रही थी उनकी तकरीर और मैं यकीन से कहता हूं कि उन्होंने बजट पढ़ा ही नहीं है। अगर वो बजट पढ़ लेते तो जो वो सवाल वो हुकूमत से पूछ रहे थे उनका जवाब उनको मिल जाता। मौसू पूछ रहे थे कि आपने हेल्थ के हवाले से बजट नहीं बढ़ाया, तो मैं उनकी नॉलेज में इजाफा करना चाहूंगा कि वफाकी हुकूमत ने तारीख में पहली दफा हेल्थ का बजट 135% बढ़ा दिया। वो फरमा रहे थे कि कोरोना के लिए कुछ नहीं रखा गया, तो जनाबे वाला 70 अरब के फंड सिर्फ कोरोना के लिए रखे गए हैं इस बजट में। वो बता रहे थे कि हेल्थ वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए आपने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं उनकी इल्म में इजाफा करना चाहता हूं कि वफाकी हुकूमत ने तमाम हेल्थ वर्कर्स के अलाउंस में 100% उनको इस पे में वो इजाफा उनको दे रहे हैं, इजाफी अलाउंस दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, वो पूछ रहे थे कि आपने अवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए क्या किया, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज 1200 अरब रुपए का, जो आज तक किसी हुकूमत ने नहीं दिया, हमारी हुकूमत ने 1200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया जिसमें तारीख में पहली मरतबा 1,60,00,000 खानदानों को 12,000 रुपए की डायरेक्ट इमदाद दी गई, जिसकी के माजी में कभी भी मिसाल नहीं मिलती। इसके अलावा जनाब स्पीकर, 50 अरब रुपया यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती नरकों पर अशिया की फरामी के लिए मुख्तस किया गया। जनाब स्पीकर, 100 अरब रुपया FBR के लिए मुख्तस किया गया ताकि वो बरामद कुनगान को रिफंड का इजरा करें। 100 अरब रुपया बिजली और गैस के बिलों में रिलीफ के लिए रखा गया। 100 अरब रुपया छोटी इंडस्ट्रीज और जरी शोबे के रिलीफ के लिए दिया गया। उसके अलावा जनाब स्पीकर, खुद ऐसी कमरों में बैठकर और जबानी जमा खर्च करने के इन्होंने अवाम के लिए और कोरोना के लिए कुछ नहीं किया, उस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिंध की आबादी पंजाब से आधी है, लेकिन सिंध और कोरोना में पंजाब के केसेस जो हैं वो बराबर हैं, उससे इनकी नाहली वाज़ह तौर पर उभर के आती है। जनाब स्पीकर, पंजाब का वज़ीर आला हमारा, जब से कोरोना आया है आप उसकी कारकर्दगी देखें, वो पहले दिन से फील्ड में है। वो पूरे उसने पंजाब में दौरे किए, अस्पतालों में दौरे किए, डॉक्टरों से मिला, वो मजदूरों से मिला और जितने अच्छे इंतजाम हो सकते थे उसने किए, लेकिन ये लोग अपने AC वाले कमरों में बैठ कर सिर्फ तनकीद ही करते रहे और कोरोना पे सियासत करते रहे। जनाब स्पीकर, चालीस साल से
हमारा मुल्क जो है इन दो खानदानों ने यरगमाल बना रखा है, इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं, दिहाड़ियां लगाई हुई हैं। नून लीग के मेरे दोस्त जो हैं वो बार बार जीडीपी ग्रोथ का जिक्र करते हैं कि हमने जीडीपी ग्रोथ को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। जनाब स्पीकर, जबकि ये साफ जाहिर है कि इनकी जीडीपी ग्रोथ आर्जी थी और सिर्फ कर्जों की वजह से थी और इम्पोर्ट की वजह से थी। जैसा कि हमने माजी में भी देखा कि जब मुशर्रफ दौर में बैरूनी इमदाद बहुत ज़्यादा आई तो जीडीपी 7 तक चला गया, लेकिन वो आर्जी था। हमारी मईशत को इन्होंने कभी भी अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश नहीं की। जिसका आप ये अंदाज़ा देखें कि इन दोनों ख़ानदानों के जो असासे हैं उनकी ग्रोथ आप देखें तो 1000 गुना से भी ज़्यादा है, लेकिन जनाब स्पीकर हमारा मुल्क जो है वो 30,000 अरब के कर्जों में डूबा हुआ था और कोई इदारा इन्होंने नहीं छोड़ा जनाब स्पीकर के जो खसारे में ना हो। मुल्क का बेड़ा गर्क करके ये लोग गए हैं। ख्वाजा साहब जो हैं उस पार्टी को वो बात कर रहे थे जीडीपी के हवाले से और उन्होंने वो तमाम फिगर्स कोट किए जो कोरोना के बाद की हमारी मईशत की सूरत हाल थी। जनाब स्पीकर वो ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं नून लीग को कि जिनका लीडर एक सजा याफ्ता मुजरिम है जिसको करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में नाहल किया गया है और वो बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से बाहर है, जबकि साफ देखा जा सकता है कि उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है और कोरोना की वबा में भी वो लंदन के फुटपाथों पे बगैर मास्क के तफरी करता हुआ नजर आता है। जनाब स्पीकर कोरोना बुरहान से पहले हमारी मईशत जो है वो बहुत ही पॉजिटिव सिमत में बढ़ रही थी। हमारी हुकूमत ने अय्याशियां करने की बजाय पाकिस्तान को मईशत को अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश की, अपने अखराजात कम करने की और अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश की। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं जनाब स्पीकर कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा 73% कमी के साथ 20 अरब डॉलर से 2.8 अरब डॉलर तक आया, जो कि जीडीपी का 1.1% है। जनाब स्पीकर जुलाई से मार्च तक हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था वो सिर्फ जीडीपी का 4.4% था, जबकि पिछले साल वो 5.1% था। जनाब स्पीकर जुलाई से फरवरी तक टैक्स कलेक्शन में 17% इजाफा हुआ। और जनाब स्पीकर सबसे अहम बात कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था उसमें रिकॉर्ड 31% तक कमी हुई। जुलाई से मार्च तक वो 14.7 बिलियन डॉलर पे आया, जो कि हमारे जीडीपी का 6.6% है। जनाब स्पीकर पिछले 10 सालों में हमारा ट्रेड डेफिसिट इतनी कम सतह पे नहीं आया। नू लीग जो वाले जो मईशत के चैंपियन बनते हैं, 2017-18 में ये ट्रेड डेफिसिट 11.9% था जीडीपी का, 2016-17 में ये 10.6% था और 2015-16 में ये 8.6% था। जनाब स्पीकर हमारे रेमिटेंसेस जो हैं वो 10% बढ़ चुके थे। हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं वो 16.6 अरब डॉलर तक पहुंच चुके थे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे दर्जाबंदी 28 दर्जे बेहतर हुई थी। और जनाब स्पीकर पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हमारा प्राइमरी बैलेंस यानी कि हमारे अखराजात और इनकम का जो फ़र्क था पहली दफ़ा वो सरप्लस में गया, 194 बिलियन के सरप्लस में। जनाब स्पीकर और सबसे अहम बात कि इस बहरान के बावजूद हमारी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसमें 2.7% की ग्रोथ आई। हमारी हुकूमत का यह मंशूर था कि हम किसानों के मुनाफे को बढ़ाएंगे। जनाब स्पीकर नून लीग के पिछले 5 साल के दौर में किसानों का बदतरीन इस्तेहसाल किया गया। गन्ने के काश्तकारों को 180 रुपया रेट होने के बावजूद 100 से 140 रुपया मिलता था। गंदम के काश्तकार को बरदाना के लिए वो तरसता था, 1100-1300 रेट होने के बावजूद 1100 में अपनी गंदम बेचता था।
जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत में गन्ने का रेट 180 से बढ़ाकर 190 किया गया और कंपटीशन की वजह से किसान 200-220 तक रेट लेते रहे। गंदम का रेट भी 1400 से जायद कर दिया गया, जिससे हमारा जो मुल्क है, हमारी 65% आबादी जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़रात से वाबस्ता है। हमारे किसानों की जो मुनाफा है उसमें बेपनाह हमारी पॉलिसियों की वजह से इजाफा हुआ। जनाब स्पीकर, हमारा जो ये बजट था कोरोना बहरान के बावजूद एक बेहतरीन बजट था। मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा 3 डैमों पे बैक वक्त काम जारी है, उनके टेंडर हो चुके हैं, जिनमें दिया मीर बादशाह डैम, महमद डैम और दासू डैम है। दिया मीर बादशाह डैम 442 अरब रुपए की लागत से बनाया जाएगा और महमद डैम 309 अरब रुपए की लागत से, जिससे कि हमारी इकॉनमी में एक इनकलाब आएगा इंशाल्लाह। और पहली दफ़ा जनाब स्पीकर कोई नए टैक्स इस बजट में नहीं लगाए गए और आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है, बल्कि कई चीज़ों में टैक्स में कमी की गई है। जनाब स्पीकर, जबकि इससे पहले जो हुकूमतें थी उनकी पॉलिसी थी एनर्जी के हवाले से कि उन्होंने आईपीपीज के साथ गठजोड़ कर बेपनाह महंगी बिजली दी कौम को और अरबों रुपए करप्शन की मद में बनाए। एहसास प्रोग्राम को 208 अरब तक ले जाया गया। इससे पहले जो बार बार जिक्र करते हैं बिस्प का, वो एक बहुत ही महदूद प्रोग्राम था शिविर अली साहब वाइंड अप और चंद लाख लोगों तक था और उसमें कई जो थे वो गैर मुस्तहिक लोग उससे फायदा उठा रहे थे। जनाब स्पीकर, गेम चेंजर मंसूबा ML1 रेलवे का, उसका भी आगाज कर दिया गया है और 37 अरब रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, सी पैक के वेस्टर्न रूट जो कि बहुत अहम तरीन है, उसके लिए 118 अरब रुपए रखे गए हैं, जिससे जो है पसमानदा इलाकों में बहुत ज़्यादा तरक्की आएगी। जनाब स्पीकर, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमारी जो गोइंग फॉरवर्ड, हमारी जो मईशत का जो मुस्तकिल हल है हमारे मुल्क को तरक्की पे ले जाने का, वो सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ उसका मेन एक मसला यही है कि हम अपने मुल्क से करप्शन और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करें। जनाब स्पीकर, आज करप्शन जो है और हमारे मुल्क की जड़ों में बैठ गई है, हर शोबे में, हर फील्ड में सरायत कर गई है, माफियाज बन चुके हैं। मैं समझता हूं हमारे मुल्क को इंडिया से इतना ज्यादा खतरा नहीं है जितना करप्शन से खतरा है। हमें इसे अपनी प्रायोरिटी बनाना होगा, हमें हंगामी बुनियादों पर इसके खिलाफ काम करना होगा और करप्शन करने वालों को हमें मुल्क का गद्दार करार देना होगा और उनको सजाए मौत तक उनके लिए सजा मुख्तस करनी होगी। जनाब स्पीकर, और इमरान खान साहब की सूरत में आज हमारे पास एक ऐसा लीडर मौजूद है कि जो करप्शन के खिलाफ, जिसकी नो टॉलरेंस की पॉलिसी है, उसी पॉलिसी पर चल के हम अपने मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकते हैं और तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। जनाब स्पीकर, मैं जनूबी पंजाब के हवाले से बात करूंगा। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे जी कहाँ है जनूबी पंजाब, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि 40 साल जब आप इक्तदार में रहे हैं तो आपने क्यों नहीं बनाया जनूबी पंजाब का सूबा? हमारी हुकूमत के मंशूर का हिस्सा था जनूबी पंजाब और इंशाल्लाह उस पर हमने अमली इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। 35% बजट जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किया गया है और उसको रिंग फेंस किया गया है, वो पाकिस्तान के और किसी इलाके पर नहीं लिख सकता। और इंशाल्लाह इस साल जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के लिए भी फंड मुख्तस कर दिए गए हैं और एडिशनल सेक्रेटरी और एडिशनल IG की पोस्ट भी क्रिएट कर दी गई है, जो कि जनूबी पंजाब के सूबे की तरफ पहला अमली कदम है जो आज तक किसी ने नहीं उठाया। और मैं मुतालबा करता हूँ अपने वज़ीर आज़म साहब से और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत जनूबी पंजाब के बिल को दोनों असम्बलियों में लेके आएगी और उस वक्त दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जो लोग उसकी मुखालफत करेंगे इंशाल्लाह जनूबी पंजाब के लोग उसको अगले इलेक्शन में बुरी तरह मुस्तरद करेंगे। जनाब स्पीकर, थैंक यू जी। आखिर पे मैं अपने ज़िले मुजफ्फरगढ़ की बात करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, मेरा ज़िला मुजफ्फरगढ़ जो है वो पाकिस्तान का 7वां बड़ा ज़िला है, उसकी आबादी 43.5 लाख से ज़्यादा है। पेशावर KPK का कैपिटल है, डिस्ट्रिक्ट पेशावर से मेरे डिस्ट्रिक्ट की आबादी ज़्यादा है। जनाब स्पीकर, माजी की तमाम हुकूमतें, चाहे वो नून लीग हो चाहे वो PPO, उन्होंने तो इग्नोर किया ही है, लेकिन जनाब स्पीकर मैं ये मुतालबा करता हूँ कि हमारी हुकूमत में मेरे ज़िले को नज़रअंदाज ना किया जाए और उसका जो ड्यू शेयर बनता है तरक्याती कामों में वो उसे दिया जाए। हमारे ज़िले की महरूमी का अंदाज़ा जनाब आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुल्क के 7वें बड़े ज़िले में, 43.5 लाख की आबादी वाले ज़िले में
पूरे जिले में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी का कैंपस तक नहीं है। हायर एजुकेशन कमीशन की इस पॉलिसी की मैं शदीद मुजम्मत करता हूं। आप क्यों उन इलाकों में यूनिवर्सिटियां दोबारा बनाए जा रहे हैं जब पहले से हायर एजुकेशन के इदारे मौजूद हैं? मैं जनाब आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अहकाम जारी करें हायर एजुकेशन कमीशन को कि इस माली साल में मुजफ्फरगढ़ को यूनिवर्सिटी दी जाए। और मैंने अपनी तहसील कोटादू के लिए जनाब स्पीकर यूनिवर्सिटी कैंपस की दरख्वास्त मूव की हुई है, और मैं अपने वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करूंगा और वज़ीर आला पंजाब से कि मेरी तहसील कोटादू को यूनिवर्सिटी का कैंपस किया जाए, दिया जाए इसी माली साल में। और जनाब स्पीकर, इतना बड़ा हमारा ज़िला जो है वो किसी भी लिहाज से फिजिबल नहीं है। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि उसकी जो बड़ी तहसील है कोटादू, जो मेरी तहसील है जिसकी आबादी 13.5 लाख से ज़्यादा है, उसको ज़िले का दर्जा दिया जाए। और वहाँ का एक 40 साल का दरीना मुतालबा है कि उसके इलाके चौक सरवर शहीद को तहसील का दर्जा दिया जाए। शुक्रिया जी। जनाब स्पीकर, इंशाल्लाह हमारी हुकूमत की जो माशी इस्तकाम की पॉलिसी है, इंशाल्लाह ये हुकूमत उसको आगे लेके बढ़ेगी, हम इस कोरोना बुरान से निकलेंगे और इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की की जानिब गामजन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जी। मोहसिन नवाज़ रांझी साहब।